नमस्कार जी, मैं HF न्यूज़ के जो भी फॉलोअर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक आज आपके सामने ऐसा व्रत और त्यौहार लेके आया हूँ जिससे आपके जीवन में खुशहाली समृद्धि के साथ साथ आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा। जी हाँ, आप सभी लोग जान रहे हैं दिवाली। जो दिवाली का पर्व निश्चित रूप से प्रकाश का एक जो पर्व है, और इसमें किस तरह से पूजा पाठ अर्चन की समृद्धि की जाती है इसके बारे में, और इसमें जो है किस तरह से गणेश अंबिका का पूजन किया जाता है, इसका मुहूर्त क्या है, और जो है ये जो प्रकाश का एक महत्वपूर्ण पर्व है ना, इसको किस तरह से किया जाए, ये सारी जानकारी आपको देता है। दीपावली का एक महत्वपूर्ण जो पर्व है, और इस पर्व में केवल प्रकाश का ही महत्व है। जैसे आपने कहा दीपावली, दीपस्य अवली यस्यासा दीपावली, दीपकों का एक पुंज जो इसे हम दीपावली के त्यौहार के बारे में जानते हैं। इसका आप एक विशेष मुहूर्त है माता का पूजन का, माता ऐश्वर्यदायिनी लक्ष्मी के पूजन का। प्रदोष काल है 5:27 सायं 8:06 तक। वृषभ लग्न है 5:57 से 7:53। और महानिषीध पूजा, ये पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। महानिषीध पूजा तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महानिषीध पूजा में व्यक्ति ऐश्वर्यशाली हो जाता है। इस पूजा का महत्व इसलिए कहा गया है क्योंकि सिंह लग्न ये महानिषीध पूजा के बारे में कहा गया है। इसमें तमाम प्रकार के व्रत नियम आदि यज्ञ यजन आदि कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं। इसमें तंत्र मंत्र टोटकादिक वाले जो भी कार्य हैं ये जो महानिषीत काल में ही किए जाते हैं। शाम का शुभ मुहूर्त, जैसे कि मैंने बताया कि 5:57 से लेकर के 7:57 तक ये जो विशेष मुहूर्त है। वृषभ लग्न जो है वो है 5:27 से लेके 8:06 तक। ये भी महत्वपूर्ण मुहूर्त है। इस मुहूर्त में पूजा करने वाले व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि यश कीर्ति आयु आरोग्यता प्राप्त होती है। क्योंकि ये जो आपने मुझसे प्रश्न किया है महादीपावली, इसका महत्वपूर्ण अंग ही है, क्योंकि ऐश्वर्यशाली बनने का ये एक साल का एक योग आता है दीपावली। इसमें कोई व्यक्ति अगर चूक जाता है ना तो वो जीवन भर चूका रहता है। इसलिए हर व्यक्ति को दीपावली बिल्कुल ठीक ठाक ढंग से मनानी चाहिए। हम हैं हिंदुस्तान समाचार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।